ये सब। अरे करो राजी सेल्फी पेंशन सेठ जी पंचम। अबे हाँ हाँ नीचे आ जाओ सब लोग इधर आ। अरे भाई सुबह सुबह क्यों चिचिया रहे हो यार मेरे। अबे तुझे किसने बुलाया, बात कर रहा है बेकार की। अरे तुम्हें कहे कहा जो मैं कहीं पे बुलाऊ मुझे। ओहो इलायची के पापा क्या हुआ, इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो, सब ठीक तो है ना? ना ना इसलिए चिल्ला रहा हूँ कि मेरी आवाज से कहीं बेहोश हो जाए कोई कौवा और यहाँ आंगन में गिर जाए। बात कर रही है बेकार की। ऐसा है जीजा एक बात सुनो हमारी, पहले चटक के बहुत सारे काम है, उसे जरा निकलना है, जो भी कुछ बोलना फटाफट बोले, टाइम नहीं मेरे पास मेरा भाई। तेरे काम तो हमेशा जो है रात में होते हैं, रात के अंधेरे में, दिन में कब से तू लूटपाट करने लगा? अरे अरे ओहो इलायची के पापा बिना बात के बस मेरे भाई के गले का फंदा बन जाओ, फिर तो भाग ही फूट गए। मम्मी यार पहले सुन तो लो पापा को क्या बोलना है, हंसना है रोना है बाद में डिसाइड कर लेंगे प्लीज। इलू हंसने रोने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। क्या ले लो ले लो। सेठ जी क्या हो गया, कुछ दुकान में तो गड़बड़ नहीं होगी, सब ठीक तो है? हाँ, दुकान में गड़बड़ हो गई, क्या चाह रहा है तू मेरे दुकान में गड़बड़ हो जाए? लहंगे जो है चूहे काट के ले जाए सारे, आग लग जाए दुकान में, या गल्ला साफ करके ले जाए कोई, कुछ काम हुआ मेरी दुकान में? सब बढ़िया है। पापा बोलो तो क्यों बुलाया है? आज मैंने दिल पे पत्थर रख के इलू सेल्फी। आज मैंने दिल पे इलू सेल्फी। आज मैंने दिल पे इलू सेल्फी। आज 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 मैंने दिल पे पत्थर रख के बहुत बड़ा फैसला किया है। क्या आप छटंकी बाबा को घर से बाहर निकाल रहे हो? जी जी एक बात सुन लेना मेरी, दहेज में आया हूं, इस उंगली का नाखून भी ना हिलेगा इस घर से, बता रहे हो मैं तुम्हें? बे चौड़ा मत हो बहुत, मैं दूसरे फैसले की बात कर रहा हूं। दूसरा फैसला? इलायची के पापा तुम इस उम्र में दूसरी शादी का सोच रहे हो? अगर ऐसा है ना इलायची के पापा तो मैं इस छत से कूद के अपनी जान दे दूंगी, बता दे रही हूँ। सन तू इस घर की छत से कूद ना सकती। क्यों? क्योंकि इसके दो नुकसान है। क्या? पहला नुकसान यह है कि पहली मंजिल से जब कोई आदमी कूदता है तो मरता ना है। और अंकल जी दूसरा? दूसरा नुकसान यह है कि मुझे टाइल्स का खर्चा उठाना पड़ेगा। अरे तो भागे फूट गए। अरे सेठ जी अपना ऐसे गोल गोल मत घुमाओ, क्या ना हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मतलब पेट में गैस बन रही है, पता नहीं कब जो है ना पेट एकदम फूट जाए हमारी गैस के। हमको ना जल्दी जल्दी बताओ आपने क्या फैसला लिया, बताओ बताओ जल्दी बताओ। अब बबू जरा एक मिनट उन्हें बोलने का मौका तो दो। हाँ, क्या हो गया सेठ जी? मैंने ये फैसला लिया है कि अब ये पंचम इस घर में ना रहेगा। इसे कल ही घर छोड़कर जाना पड़ेगा, इसे बरसाती खाली करनी पड़ेगी कल, क्योंकि ना ये घर में रहेगा, ना इलायची को देखेगा, और ना ही इसे पिछले जन्म की कोई याद आएगी, और मिसेस पंचम के साथ भी अन्याय होने से बच जाएगा। ना ना सेठ जी बात, सेठ जी प्लीज, जो फैसला हो गया सो हो गया। तो ठीक है भैया, फैसला हो गया तो कोई ऐसी बात ही नहीं, अपना सामान लेके कल सुबह बरसाती में चले जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अच्छा रहेगा, खुल खाल के सोएंगे, पैर फैला के सोएंगे। नहीं नहीं ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, मतलब देखिए मौका देखते अगर होता तो तब तो। कल ये बरसाती खाली हो जानी चाहिए, बता रहा हूं मैं। ये तो महाराणा प्रताप सिंह हो रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा, पाए पाए टाए टाए।
सेठ जी तो सलमान खान हो गए, मतलब एक बार कमेंटमेंट कर दी फिर अपने आप की भी ना सुनेंगे क्या? लाइफ में टंटे हो रखे हैं चाचा जी। भाई यकीन ही नहीं आ रहा यार, सेठ जी ने हमें सच में नौकरी से बाहर निकाल दिया यार। अरे नहीं आ रहा तो कर ले यकीन भाई, सेठ जी ने निकाल दिया है साले तेरे चक्कर में ना, मेरी प्रेम कहानी जो ना प्रेम कहानी से प्रेम निकल जाएगी, बस कहानी कहानी रह जाएगी। जाए यार यार चीजा जी छत पर है। हाँ। हटो ना पिंटू भाभी, मतलब पिंटू जी भाभी बनाई था बस। बैठो सुनीता जी, चीजा जी छत पर है जी। लाइजी जी फिलहाल तो चीजा जी छत पर है, पर कल सुबह हमारी बदकिस्मती हमें कहाँ ले जाए और कहाँ पटक दे हम नहीं कह सकते। सॉरी जीजा जी, ये सब मेरी गलती है यार। अरे नहीं लाइसी जी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए, ये हमारी जिंदगी का ट्रैक रिकॉर्ड है लाइसी जी। हम हमारे साथ कुछ भी अच्छा होने वाला होता है ना, उसी समय हमारी खुद की नजर लग जाती है। बिल्कुल सही कहा भाई। अरे बस कर यार। ओफो यार पिंटू जी शांत हो जाओ, जीजा जी शांत हो जाओ, ये समय लड़ने का नहीं है यार, ठंड रखो प्लीज, टेक अ डीप ब्रेथ। बस समझ नहीं आ रहा है कि गेम कैसे पलट गया, पता नहीं कितना गंदा ऐसा सड़ा आइडिया किसने दिया है पापा को, पर कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी, मतलब इतनी आसानी से वो आपको नौकरी से निकालने वालों में से नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ उन्हें। हाँ इलायची जी हम जानते हैं, सेठ जी हमसे बहुत प्यार करते हैं। अरे प्यार व्यार नहीं करते हैं वो तो सस्ता और टिकाऊ आदमी आप जैसा मतलब मिलेगा नहीं ना उन्हें इसलिए, लेकिन उन्होंने कुछ बहुत ही मतलब बहुत सोचा होगा तभी इतना बड़ा फैसला लिया उन्होंने, मुझे क्या सोचा होगा क्या हुआ समझ ही नहीं आ रहा है। छोड़िए इलायची जी ये सब बेफिजूल का टाइम वेस्ट है, अब हमें जाना ही पड़ेगा, शायद जो भी हो आप चिंता मत करिए, हम जहाँ पे भी होंगे ना इलायची जी आपकी याद में आंसुओं की नदियां बहा देंगे। और फिर उसी नदी में जाके ना कूद जाना, डुबकी मार लेना मर जाना, हद ही कर रखी है, पता नहीं कैसे आशिक है। हिलो यार तू कुछ कर प्लीज, मैं तो ना सच्ची पिंटू जी के बगैर मर ही जाऊंगी, मैं नहीं जी सकती इनके बगैर, प्लीज कुछ कर। ते क्या कर लूं, फैसला तो सुना दिया ना पापा ने, अब मैं क्या करूंगी। इलायची जी हमने उस फैसले के आगे अपनी गर्दन भी झुका दी है। इलायची जी एक काम करो, अपना अपना दिमाग चलाओ, निकालो निकालो आइडिया निकालो। मिल गया मिल गया आइडिया, मिल गया बताइए। सुना सुना गुड मॉर्निंग। अरे मामा कम खाया करो, थोड़ा पेट खराब हो जाएगा। कहाँ से आ रही है तू ऐसे? अब वो मैं काम से। हाँ ऐसे भी देखो काम आ गए, काम से गई थी। अच्छा सुन वो सेल्फी अपने पापा से कह दियो, कल जो है नगर पालिका के चेयरमैन के साथ मीटिंग है, ठीक है? ठीक है अंकल जी बोल दूंगी। कहाँ से बोल देगी तू, हर समय तो पूछ की तरह इसके साथ लगी रहती है, बात कर रही है बेकार की। ओ तो इसमें क्या गलत है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसी के साथ रहूंगी, बाप के साथ थोड़ी रहूंगी। मैं भी गुस्सा करी जा रही हूँ सुबह सुबह। मैं गुस्सा कर रहा हूँ? इलू सेल्फी प्रणाम सेठ जी। हाँ खुद रहे। अच्छा सुन वो बर्तन सेठ जी पंचम। अरे हाँ वही मैं क्या कह रहा था कि सेठ जी हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज सेठ जी प्लीज। ना ना वो तो ठीक है लेकिन मैं क्या कह रहा था कि अरे तुम क्या कहोगे यार, हमें कहने तो कुछ यार, हम भी कुछ कहना चाह रहे हैं यार फालतू के आदमी। अरे पिंटू जी मैं क्या कह रहा था, भले ही तुम इस घर से चली जाओ लेकिन हमारे दिल से कभी ना निकल पाओगे, मैं सबसे बता रहा था। मेरे कहने का मतलब ये था कि मतलब तुमने इतने कम वक्त में सबके दिल में जगह बना ली है, कसम से बहुत सॉलिड वेरी नाइस। जगह तो आपने भी बना ली है। आपके दिल में नहीं,
तिहाड़ जेल में। पिंटू बेटा लड्डू बांध दिए रास्ते के लिए, तो तुम लोग खा लेना। हा? अच्छा मिसेस पंचम, मैं क्या कह रहा था कि ओए सुनो, ये देख क्या धमाकेदार खबर छपी है यहाँ पे। ओ माय गॉड। हाँ पापा पता है, मेरी टीचर कहती है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से ना रोज तो दिमाग तेज होता है। हाँ। तेरे दिमाग को और धार लगाने की जरूरत ना है, वैसे ही बहुत तेज है। पापा जो लिखा है वो तो सुन लो पहले। अरे यार इसमें लिखा है कि एक झोला छाप डॉक्टर, मतलब बहुत ही चतुर चलाक, वो करोल बाग में पकड़ा गया है। हाँ इसमें ये लिखा है कि वो लोगों को उनके पुराने जन्म की, मतलब पिछले जन्म की कहानियां, झूठी कहानियां सुनाकर पैसे अटता था। आगे बढ़। ओह माय गॉड, अरे वो डॉक्टर यादगार तिवारी, उसने भी तो यही किया। ओह माय गॉड, बल्कि वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, डॉक्टर ही नहीं है वो। बताओ लेकिन अब अच्छा हुआ कि करोल बाग में ना, मतलब किसी थाने में ना कुटाई हो रही है उसकी। ये देखो, ये लो, जरा देख लो पापा। हाँ। ये लो फोटो भी अंकल जी, देखो। दिखाओ दिखाओ। अरे रुक जा, तसल्ली रख जरा। अरे ये तो वही डॉक्टर है जो ठंडन का इलाज करने आया था। हाँ हाँ ये वही है। इसका मतलब कि इसने जो भी मेरे और जीजा जी के बारे में बताया वो सब झूठ है। यार ऐसा लग रहा है ना कहीं वो मिल जाए, मुझे दिख जाए तो मतलब इतना मारूंगी ना चप्पल से कि मुंह लाल कर दूंगी, नक्शा बिगाड़ दूंगी मैं उसका। मतलब इतनी भोले वाली जीजा जी, मतलब शादीशुदा जीजा जी, उनके बारे में ऐसी गंदी कहानियां सुनाता है बेशरम आदमी। शर्म आनी चाहिए ने ऐसे डॉक्टरों को। देखो मैं हमको ना पूरा भरोसा था, एकदम पक्का वाला यकीन था कि गुगू की लैला मैं हूं। पापा तो अब आप जीजा जी को नहीं निकालेंगे ना? देखो बड़ी मतलब अलग सी बात है कि मैं कल पूरी रात ये सोचता रहा और सारे जोड़ घटाओं के बाद जो है मैंने ये सोचा कि शायद तुम दोनों का जो है पिछले जन्म का कोई साथ है। देखो भैया जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है और मैं कौन होता हूँ जोड़ी तोड़ने वाला, इसलिए मैं ये सोच रहा था कि तुम दोनों की जो है शादी करा दी जाए। लेकिन अच्छा हुआ कि ना कराई, बिना बात के पाप चढ़ जाता। क्यों लाई जी, सही कह रहा हूं ना मैं? सही कह रहे हैं पापा। बताए क्यों? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मंगीलाल क्या बे? वो सिलाइयां पिंकी जी को तूने सुबह से अपनी सिलाइयों से दूर रखा ना? हाय लगेगी तुझे, हाय पिंकी जी बोल रहे हैं। बेटा तू एक काम कर, तू ना वहाँ बैठ के चुपचाप मेरी पैंट सील बेटा। फटी हुई ना, उधड़ी हुई ना, वो चुपचाप सील। साले इलायची और पंचम का खून करे और हम तुझे सजा भी ना दे। अच्छा अरे और कितनी सजा देगा मंगी, और कितनी देगा तू? अरे पुष्पा हाँ? वो अखबार है ना, दे पिंकी को और उसको बोल पढ़ के सुनाए। ओके मंगी सर। गो अखबार पढ़ेगी पिंकी जी तेरे लिए। पढ़ते पिंकी जी, आज ही करोल बाग की पुलिस ने एक फ्रॉड डॉक्टर को गिरफ्तार किया। उसके ऊपर लोगों को झूठी पुनर्जन्म की कहानियां सुनाकर पैसे ऐंठने का आरोप था। डॉक्टर यादगार तिवारी को रिमांड में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। एक मिनट, डॉक्टर यादगार तिवारी? पुष्पा जी सर, बैंड बज गई जी सर। 541
20 हुए हैं। नहीं सर, 5 से 40 माँ कसम मैं क्यों झूठ बोलूंगा। कर कर कर। 542। पिंटू जी, वैसे देखो ना, आप भी आओ और मैं भी आऊँ तो क्यों ना हम हवाओं में अपने प्यार के रंग को घोल दें। रंग? हाँ रंग घोल, लेकिन सुनीता अभी कैसे रंग घोलने हैं? होली तो आने दो, रंग तो होली पे खेलते तभी घोलेंगे। और इस बार तो ऐसी होली खेलेंगे, ऐसी होली खेल मतलब आप उन्हें एकदम रंगीन कर देंगे सिर से लेके पैर तक। पिंटू जी, जिंदगी में कभी एक मिनट के लिए आप कोई बात समझ सकते हो कि वो भी नहीं कर सकते आप? इसमें क्या समझने, ओ चाचा समझ गए सुनीता जी, समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हो। हम समझ गए, आप वो प्यार की पहली किस्त वाली बात कर रहे हो ना? किस्त मतलब चलो फिर आज आप आंखें बंद करो, इससे पहले कि आपके पापा आदम के आज ना प्यार की सर्जिकल स्ट्राइक कर ही लेते हैं। आंखें बंद करो। अरे बेटा सुनो, ओ बेटा सुनो, ओहो, अरे बेटा तू क्या दिन भर यहाँ खड़ी रहती है, हैं? देख मैंने दूध गर्म करने रख दिया, जाके थोड़ा संभाल ले, कहीं उबल ना जाए, हम्म? जा बेटा। जी पापा, आ रही हूँ, जा रही हूँ। बाय बाय। पिंटू जी। हाँ जी। राजी बेटा, तूने अपनी पढ़ाई की? अच्छा, इस बार तो अच्छा नंबर लाएगी। समझ ही ना आ रहा ऊ हाँ या ना, तेरा कुछ समझ में ना आ रहा मुझे भैया। इलायची ले, दूध पी ले, मेरी बच्ची बड़ी दिन से बड़ी तकलीफ में थी। ये बताओ गुरु, इन डॉक्टरों से तो मेरा जो है एकदम भरोसा उठ गया, अब बता अपने पैसे ऐंठने के लिए ये किस हद तक उतर जाते हैं, समझ रही तू? हाँ पर खैर ये सब छोड़िए ना, एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो गया, तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं हम लोग, है ना? ना ना, मैं थोड़ा ही कुछ बात करने की कह रहा हूँ, ना करते भैया। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि इतना बड़ा टंटा जो है कट गया, बहुत बुरा लग रहा था मुझे इसे जो है पंचम के साथ देख के। सुनिए ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप लोग भी सो जाइए, मैं दूध बाद में पी लूंगी ठंडा होके। हाँ आप जाइए। चल ठीक है। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम आंटी जी। नमस्कार इलायची जी। हाँ खुश रहे, हाँ बता क्या हुआ? सेठ जी, वो इतना कुछ हो जाने के बावजूद आपने हमें घर और नौकरी से नहीं निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। जीजा जी, ये टॉपिक अब बस कीजिए, खत्म। अरे तो तू कितना क्यों परेशान हो रहा है, तेरी कोई गलती है ही ना, और तूने कौन था वो? सुन नंदन। सेठी पंचम। एक बात बता, जब वो डॉक्टर फ्रॉड था और उसकी हर बात गलत निकली, तो फिर तुम दोनों ये पिछले दिन का क्या चक्कर चला रहे थे, हैं? अब सेठ जी, वो हमें काम याद आ गया, हम अभी आते। एक मिनट, इधर आ। असुन इलायची, ये तू जो है ये रेशमा बन के ये मटकी लेके कमर में ये क्यों घूम रही थी और उसका नाटक कर रही थी? पापा, आप ये बात ना ही खुलवाए तो ही अच्छा है, अगर ये सच बाहर आएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूँ ना लगे अच्छा, लेकिन मुझे सच्चाई जाननी है, क्या बात थी बता। तो फिर सुनिए। हाँ। मैं टेस्ट ले रही थी आपका और आप इस टेस्ट में फेल हुए हैं बहुत बुरी तरीके से, अंडा मिला है 0 आपको। मेरा टेस्ट चल लिया था और मुझे पता ही ना। बता कैसे टेस्ट चल गया था, बता। पापा आपको याद है, मम्मी और आप कुछ दिन पहले पुनर्जन्म की बातें कर रहे थे और कह रहे थे जन्म जन्म का रिश्ता ही सबसे अच्छा रिश्ता होता है। हाँ। कभी मैंने सोचा कि कोई आदमी आए और आपको आराम से बेवकूफ बना के ये बोले कि वो मेरा पति है
आप लोग तो मान जाएंगे, बेवकूफी बन जाएंगे और मेरा हाथ उसके हाथों में थमा देंगे बिना कोई सवाल जवाब के, राइट? बस यही टेस्ट करने के लिए जिया जी और मैंने ये पुनर्जन्म का नाटक रचा आप सबके सामने, और फिर क्या मिला? अरे आप तो यहाँ तक के लिए आप तो रेडी भी हो गए जिया जी और मेरी शादी के लिए। बताओ भैया ये कहाँ होता है? कोई बात नहीं सेठ जी, गलती हो जाती है। मुझे माफ कर दे तू बेटा, सुन तूने सही क्लास लगाई मेरी। मैं तो मतलब पिछले जन्म के रिश्तों को ज्यादा मानने लगा, इस जन्म के रिश्ते को कोई मतलब ही ना। ना ना सुन, मेरे लिए इस जन्म के रिश्ते ज्यादा मायने रखते हैं, पिछले जन्म के रिश्ते किसने देंगे भैया। ना तू सही है, बिल्कुल सही है तू। पर ये सोचो, अगर आप मेरी बात को सच मान लेते तो लाइफ में टंटे हो रखे पापा आपकी। अरे बड़ी होशियार लगी है मेरी।